हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आसिफ, स्पाइन एंड स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट। आज हमारे साथ मिस्टर आशीष हैं, जिनको L5-S1 में डिस्क बल्ज है और इनका डिस्क बल्ज काफ़ी सीवियर था और काफ़ी ज़्यादा पेन में थे 1.5 साल से, और इसमें इनको कई डॉक्टर ने सर्जरी भी सजेस्ट किया था, लेकिन इनको जब हमारे पास आए थे उस वक्त इनका स्पाइन काफ़ी बेंड हो चुका था और काफ़ी ज़्यादा पेन में थे। तो आज हम मिस्टर आशीष से बात करेंगे कि इनका प्रॉब्लम कब से था और क्या इनको तकलीफ थी, और अभी इनका कैरोप्रैक्टिक सेशन हमने किए हैं तो इनका ओवरऑल रिजल्ट कैसा है, एक बार मिस्टर आशीष से पूछेंगे। तो आशीष जी, कब से दर्द हो रहा था आपको? मुझे 1.5-2 साल से दर्द था डॉक्टर साहब, इसमें कमर में, और मेरी तो बिल्कुल एक साइड बैंड थी, पूरे पैर में ऐसे स्वेलिंग भी आती थी साइड में और पूरा पैर सुन्न हो जाता था मेरा। मेरे पास आपके 4-5 सेशन हो गए हैं तो मतलब 95% ठीक हूँ मैं, 2-4% कोई प्रॉब्लम रह गई है मुझे। और मेरे तो मतलब ऐसा था कि मैं तो प्रॉपरली वॉक ही नहीं कर पाता था, और जिस भी डॉक्टर को दिखाया उसने यही कहा जी आपकी तो सर्जरी होगी, इसके अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो इनको भी कई डॉक्टर्स ने सर्जरी के लिए एडवाइस किया था, बट लकीली इन्होंने सर्जरी के लिए ऑप्ट आउट नहीं किया और इन्होंने अल्टरनेटिव थेरेपी पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हुए कायरोप्रैक्टिक को प्रेफर किया। तो आप में से भी जो लोग डिस्क प्रॉब्लम से परेशान हैं, जिनको डिस्क बल्ज है और जिनको किसी डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, तो एक बार प्लीज़ वो अपना चेकअप जरूर कराएं और एक बार हमें कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को बताएं। अगर आपको सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया तो एक बार हमसे कंसल्ट करें, हम देखेंगे आपकी कंडीशन को, और हो सकता है 90% डिस्क बल्ज केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अल्टरनेटिव थेरेपी से ठीक होते हैं और कायरोप्रैक्टिक का रिजल्ट भी इसमें काफ़ी अच्छा होता है। तो हमने इनको सेशन दे और इनको काफ़ी बेटर फील हो रहा है, तो इस तरीके के केसेस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है और इस तरीके के केसेस जो हैं वो ज़्यादातर ऑल्टरनेटिव थेरेपी से और कायरोप्रैक्टिक सेशन से इम्प्रूव करते हैं। तो आज एक सेशन मिस्टर आशीष को और देंगे। तो काफ़ी टाइम से पेन और स्टिफनेस की वजह से आशीष जी का जो पेल्विस है वो पोस्टीरियर टिल्ट कर गया था और इनको बाइलेटरल ईस्टियम पोस्टीरियर था, तो इनका जो वॉक करने का पोस्चर था वो काफ़ी ख़राब था और इनकी बैक इतनी स्टिफ रहती थी कि ये वॉकिंग जो करते थे तो उसमें इनका जो पेल्विस था वो पोस्टीरियर टिल्ट रहता था। अभी हमने इनको कपिंग थेरेपी दी है ताकि इनके मसल्स थोड़े रिलैक्स हो जाएं, और अगर मसल्स में टाइटनेस हो, अगर मसल्स में स्पैज़म हो, तो कपिंग थेरेपी भी उसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम करती है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। Just relax your back, loose, breathe in, breathe out, another side, just relax, loose. So we have done the L5-S1 chiropractic session for the nerve compression of his disc, and we have done the dorsal and cervical upper cervical chiropractic adjustment also. So please, if you have any problem, please do write in our comment box, and please subscribe our channel and please share our videos, and please press the bell button also so that you get the new videos every day. Thank you very much, viewers, for watching our video. Thank you.